देखो आज पेरियल बताएं तो पेरियल में कैसे इम्प्लाई को हम बदल तैयार करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम दो इम्प्लाय का एग्जांपल लेते हैं कि एक रमीज है, एक राजेश सिन्हा है, तो एक दो इम्प्लाय है, दो एक इंजीनियर है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर इम्प्लाय है, दोनों का हम पेहेड तैयार करते हैं पेरोल। तो उसको तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैली खोल लेते हैं। टैली खोलने के बाद एक कंपनी हम क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट जो करते हैं वहां पर कंपनी क्रिएट करते हैं इंटरफेस की। उसके लिए गेटवे टैली जाने के लिए एस्केप की प्रेस करेंगे और इसको पेरोल को एनेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, F11 प्रेस करेंगे। यहाँ पर अकाउंट इन फ्यूचर में जाएंगे, जिस कंपनी यहाँ पर हम एनेबल करेंगे मेन पेरोल ऑप्शन है उसको यस करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन आता है मोर देन या क्या रहा है मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगोरी को हम यस करेंगे। यस करने के बाद इस डेटा को हम एक्सेप्ट करवाएं, देन एक्सेप्ट करने के बाद हम एक्सेप्ट स्केप के पीछे गए और हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या करेंगे, पेरोल इन्फो में जाएंगे क्योंकि रिकॉर्ड तैयार करना है और कैटेगरी है तो फर्स्टली बता देते हैं एम्प्लॉयर के नाम से बनाएंगे इंटरप्रेस। क्या बताएंगे यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे, जो ग्रुप रहेगा यहाँ पे कैटेगरी में क्या चूज करेंगे एम्प्लॉयर, यहाँ पे ग्रुप में हम पोस्ट का नाम देते हैं जैसे एक बना लेते हैं सेल्स का नाम से और एक बना लेते हैं हम एडमिन के नाम से। इंटरप्रेट लिए एक्सेप्ट करवा दी, ये हो गया आपका ग्रुप। दूसरा क्या बनाते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय का डिटेल्स, जो मेरे पास जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड जनरल इंफॉर्मेशन तैयार करना है उसके लिए एम्प्लॉय में गए क्रिएट पर क्लिक किए। तो यहाँ पे कैटेगरी मांग रहा था, यहाँ पे क्या चूज करेंगे एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉय तो पैरा कुमार है राजेश ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए
क्या करेंगे यहाँ पर हम यूनिट बनाएंगे। यूनिट बनाने के लिए बताए थे पहला जो बनेगा आवर के नाम से यूनिट बनेगा,
अब इसको समझ लीजिए फेसेस का तो कंप्यूटर कुछ टैप की जब ऑटोमेटिक फील हो रहा है उसका पेमेंट, तो कितना दिन का पेमेंट दे रहे हैं, तो 1/4/2017 से लेके 1/5/2017 तक, मैंने एक मंथ का पेमेंट कर रहे हैं। इंप्लाई कैटेगरी क्या लेंगे, प्राइमरी कैटेगरी क्यों नहीं चूज करेंगे, कि हम जो भी बनाए हैं सब इंप्लाई के अंदर बनाए हैं, तो यहाँ पे क्या चूज करेंगे इंप्लाई। अब पूछ रहा है कि इंप्लाई ग्रुप किस किस ग्रुप का सैलरी बनाना, तो हम अलग अलग बनाएंगे ना, अलग अलग क्या सबका नाम चूज करेंगे, क्योंकि पूरा का और आइटम लेते हैं तो सबका सैलरी एक ही स्लिप में चलाएगा, रेश का भी और रमेश का भी, सोनू का भी, तो हमको दिक्कत है, इसलिए हर इंप्लॉय का अलग अलग चूज करेंगे। रजेश सिन्हा लिए 23, तो पूछ रहा है कि बेसिक सैलरी रजेश सिन्हा कितना है, तो मालूम क्या बेसिक उसका 65,000 रुपया। इंटरप्रेस तो कंप्यूटर क्या क्या ऑटोमेटिक डी देखिए इतना दिया इतना करो कि आईटी क्या क्या क्रेडिट कर लिया रिटर्न ले लिया, तो आईटी रिटर्न किया कितना कितना रुपया, तो इतना माइनस के लिए बता रहा है कि आपका कितना 73,775 रुपया हो रहा है, सबकी बेसिक सैलरी 65,000 और इतना ये जोड़ने पर 6500 ये 5200 ये और क्या बोलते 3200 ये जोड़ने के बाद मेरा सैलरी कितना 73,775 रुपया, इसको पेमेंट हम करेंगे डेटा को यहाँ पर एक्सेप्ट पास करेंगे। फिर दूसरा के देना होगा तो कैश दिए अल्ट प्लस ए करेंगे, ये इंप्लॉय चूज होगा किस इंप्लॉय का, तो रजत सिन्हा का तो पेमेंट बना चुके हैं, अब हम बनाएंगे सोनू का,
इसका कितना सैलरी, सोनू का मोनोसपोर्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है तो इसको 25,000 सैलरी। तो देखिए यहाँ पर सब्जी मेरा केचिया नहीं मिला, नहीं डेटा का नहीं है। अब यहाँ पर इम्प्लॉय को पेमेंट करना, तो पेमेंट करने के लिए हम एक्सेप्ट की जाते हैं, हमें इम्प्लॉय सॉरी इम्प्लॉय का अटेंडेंस बनाना होता है, प्रेस किए और यहाँ पे क्या करेंगे कंट्रोल एफ4, अटेंडेंस के लिए यहाँ पर कंट्रोल एफ5 किए तो अटेंडेंस आया। तो किसका अटेंडेंस बनाना, रजेश सिन्हा क्या एब्सेंट, एब्सेंट जीरो थी, फिर रजेश सिन्हा लेंगे क्योंकि उसका बनाना क्या चाहिए सिक लीव, तो सिक लीव कितना दिन है तो 3 दिन, फिर रजेश सिन्हा ही यहाँ पर ओवर टाइम कितना दिन किया है तो 1 दिन 1 घंटा, फिर दूसरा का अटेंडेंस बनाना है तो सोनू कुमार क्या है एबसेंट 5 दिन, रजेश सोनू कुमार क्या किया है ओवर टाइम कितना किया है 5 आवर, फिर सोनू कुमार क्या किया है सिक लीव कितना है तो 2 दिन। सिंगल के लिए तो देखिए बता दिया कि रेश कुमार जो सीना है ओवर टाइम इतना देरी काम किया, इतना देरी काम किया उसके बेसिस सैलरी इतना है, डीए इतना है, एचआर इतना, डीए इतना, उसका पहले तुम बेसिक सैलरी पहले तो कन्वर्ट निकालो, बेसिक सैलरी इनपुट कर दो तब इस सिस्टम क्या करते हैं हर इम्प्लॉयमेंट को बेसिक सैलरी आप देख सकते हैं। सोनू को देखना तो सोनू कहते हैं पे स्लिप क्या होता है कि डेटा निकला और बैंक में साइन करके चला गया थ्रेटी से, वहां से पेमेंट उसका कंपनी के अकाउंट से पेमेंट उसके अकाउंट में चला जाता, तो पे स्लिप ऐसा ही तैयार होगा है ना। सुन में आ गया तुम लोगों ने कैसे बना दो, आप पेरोल रिपोर्ट का अटेंडेंस देखना, अटेंडेंस शीट में जाएंगे तो सबका अटेंडेंस बता रहा है, आप प्रोफाइल चेक करना है एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय का प्रोफाइल चेक करना है तो यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोफाइल में जाएंगे तो आप सब बता रहा है सोनू मोनू राकेश का, देखो इससे से हर चीज चेक करते हैं। आज पेरोल क्लास लास्ट हो गया तुम लोगों का।